तो अगली खबर जया राजगढ़ से दिखाई दे रही है, जिसकी आप और हम बात करते रहे। जी राजगढ़ में अंतिम दौर में हिंदुत्व की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव। सनातन पर्चे बांटने पर सियासी तापमान वहां का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। दिग्विजय सिंह के खुद को सनातनी बताने पर बीडी शर्मा ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, खुद को सनातनी बताने पर दिग्विजय सिंह पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। सनातन के अपमान का बदला लेगी राजगढ़ की जनता, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अपमान को याद रखेगी जनता, ये उन्होंने कहा। एक एक बूथ पर दिग्विजय सिंह जैसी विचारधारा खत्म करेंगे। दिग्विजय सिंह के नाम से राजगढ़ में बट रहे पर्चे और पर्चे पर ही ये राजनीति गर्मा गई। ये पर्चा देखिएगा आप, ये नजर आ रहा जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को सनातनी बताया है और जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे सुनेगी जया कि दिग्विजय सिंह सनातनी। निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल ये भी है कि जरूरत क्यों पड़ी सर एन चुनाव से पहले। जरा सुन लीजिए प्रदेश अध्यक्ष क्या कहा, उसके बाद उस पर चर्चा करें। चलिए, दिग्विजय सिंह ये कहे मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ तो ये झूठ है कि नहीं है? अरे कार्यकर्ता आपको बताना पड़ेगा ये झूठ है कि नहीं है? ये सफेद झूठ है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या ये पूछा था कि नहीं पूछा था? ये देश की सेना का, वीर सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? सनातन धर्म का अपमान करने का बदला, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने का बदला केवल बातों से नहीं होगा। तो सुन रहे हैं आप कि वो कह रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना सिर्फ बातों से नहीं होगा, मतलब वोट के जरिए आप बता दीजिए। लेकिन दिग्विजय सिंह पर आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं, वो पर्चे के अलावा उन्होंने क्या कहा सनातन को लेकर, राम को लेकर, जरा सुन लेते हैं। दिग्विजय सिंह भाजपा के नेता हैं जीरापुर के जी, उन्होंने कहा कि भगवान राम दिग्विजय सिंह के खिलाफ रोड़मा नागर जी नहीं लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा होता तो दिग्विजय सिंह फौर में क्यों भरते हैं, उनके प्रस्तावक होते हैं। चलिए दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बन जाते हैं, मैं आपसे यही कह रहा था। कल उन्होंने कहा कि यदि राम पान भरते तो मैं उनका प्रस्तावक बनता। निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए जरूरत क्यों पड़ी और जरा समझने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रंजना जुड़ गई हैं भोपाल से लाइव। रंजना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम जब आता है तो उनके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो हमेशा उनके साथ में चलती रही हैं और बीजेपी उन्हें जनता के बीच पहुंचाने का भी प्रयास करती रही कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। अब तो राम मंदिर का भी मुद्दा उससे जुड़ गया है, लेकिन ऐन चुनाव से पहले जब प्रचार प्रसार के दौरान दिग्विजय सिंह सनातन का मुद्दा उठाते हैं, राम का मुद्दा उठाते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी सनातन को लेकर जो सियासी संग्राम है वो लगातार छिड़ा हुआ है और ये जहाँ छिड़ा हुआ है वो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है राजगढ़ लोकसभा सीट पर। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके लिए अभी फिलहाल ये जो सनातन को लेकर लगातार जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए भी है क्योंकि उनको अभी वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर उनका सबसे पहला प्रयास यही है कि कैसे भी करके इस सीट पर जीत दर्ज करनी है। और अभी जिस तरीके से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद लगातार जो लोगों की भावनाएं हैं वो पूरी तरह से बदली हुई हैं और उसी को लेकर अब दिग्विजय सिंह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सनातन को लेकर लगातार उनके मन में किस तरीके के विचार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राम भगवान खुद चुनाव लड़ रहे होते तो वो प्रस्तावक होते। तो एक तरह से अपनी जो इमेज है, अपनी जो छवि है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं चुनावों में मतदान से पहले, ताकि उनको जनता का पूरी तरीके से जो समर्थन है वो मिल सके और इस सीट पर जो बड़ा उलटफेर करने को लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं उसको लेकर वो सफल भी हो सके। चलिए चलिए रंजना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और जया यही बड़ा महत्वपूर्ण, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। लेकिन यही बात है कि दिग्विजय सिंह की छवि कुछ अलग है और जब जब वो इस तरह के बयान दिए जिसका जिक्र बीडी शर्मा कर रहे थे वो उनके लिए मुश्किल बनते हैं। हमने भोपाल के चुनाव में भी देखा और राजगढ़ में भी बही, लेकिन धीरे धीरे कर वो अपनी छवि को बदलना चाहते हैं, पर जनता क्या इस बात को समझेगी? वैसे दिग्विजय सिंह के बारे में बता दें कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, वो जिस महल में, जिस घर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ से वो कहते हैं कि राम की पूजा, हम राम के वंशज हैं, पूजा करते रहे, हम भी रघुवंशी हैं।